Dear student, myself Jitendra Verma, assistant professor in your college. आज हम लोग एंगलर एंड पेंटल का क्लासिफिकेशन लेंगे. जैसा कि पहले आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, वही अपना सिस्टम है. कोरोना में ध्यान रखिए, फैल रहा है और जब तक वैक्सीन नहीं आए जब तक अपने को कई चीज़ें सावधानी से बरतनी, इस चीज़ का भी ध्यान रखें. उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए जैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, आज हम लोग यहाँ पर एक वीडियो लेक्चर ले रहे हैं. पहले भी मेरे 20-30 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं. तो इसी क्रम में हम आज सेकंड ईयर की जो आपकी क्लास है इसमें हम थर्ड यूनिट चला रहे थे. पहले हमने बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन लिया और आज हम एंगलर एंड पेंटल का जो क्लासिफिकेशन है ये हम लेंगे. इस तरह से अपना एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन अगर हम दें तो उसके पहले हमें देखना है कि इसकी क्या लाइफ साइकिल रहती है. क्योंकि आपने पहले स्कूलिंग में भी पढ़ रखा है कि इस तरह से एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर होता है और फ्लावर के अंदर ये पार्ट्स होते हैं. ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एम्ब्रियोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं तो पहले भी पढ़ा हुआ है, तो जो रिलेटेड है वही चीज़ें हम यहाँ ले रहे हैं. तो ऐसे फ्लावर के ये पार्ट हैं जिसमें ओवेरी है, एंथर है और इस तरह से ये अदर पार्ट्स हैं. फिर ये जर्मिनेट होंगे, फिर ये डेवलपमेंट होगा, फिर ऐसे सीड होगा, सीडलिंग बना, सीड जर्मिनेट हुआ, वापस पूरा प्लांट बनाया. तो हमने इन इन लक्षणों के इवोल्यूशन के आधार पर ही इस एंजियोस्पर्म प्लांट को पोजीशन दी है कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इसको वर्गीकृत किया गया अन्य प्लांटों के साथ साथ. तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का उद्देश्य है. तो इस क्रम में तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन आते हैं, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, एक नेचुरल सिस्टम है और एक फाइलोजेनेटिक है. उल्टी तरफ से अगर हम लें तो फाइलोजेनेटिक के अंदर तो इवोल्यूशन के आधार पर दिया गया है, यानी कि कौन सा चीज़ें विकसित हैं, कौन किससे ज़्यादा विकसित है, इस तरह के आधार पर दिया गया है. नेचुरल में जो नेचर में प्रेजेंट है उसमें दिया गया है कि कैसे कैसे किस प्रकार के कौन कौन सी प्रजातियाँ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसको किस ग्रुप में रखा जाए. और आर्टिफिशियल में मिक्स डाटा को काम में लिया गया. जहाँ तक रहा मामला इसकी हिस्ट्री की, आर्टिफिशियल सिस्टम इज द ऑन द बेसिस ऑफ वन और फ्यू कैरेक्टर ऑफ प्लांट है. नेचुरल सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर किया गया. और फाइलोजेनेटिक में जैसा कि हमने अभी बताया था कि इट इज़ बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी सिक्वेंस, कैसे विकास का क्रम रहा उस क्रम में, वो हर एक वैज्ञानिक ने अपने हिसाब से दिया है. ध्यान रखें, कई का क्राइटेरिया कंसिडर कर सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट साइंटिस्ट ने किसी आधार पर उसका खंडन कर दिया, ये भी ध्यान रखें. तो इवोल्यूशनरी सिक्वेंस जो उसने दी उसके आधार पर और जेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर अलग अलग ग्रुप बनाए गए फाइलोजेनेटिक सिस्टम के तहत, ये ध्यान रखें. तो एंगलर पेंटल के केस में ये है बच्चों कि एंगलर 1843 से 1930 की अवधि में इन्होंने काम किया. कार्ल पेंटल ने 1849 से 1893 के मध्य काम किया. ये जर्मन बॉटनिस्ट थे. इन्होंने अपने वर्क को 23 खंडों में, 23 वॉल्यूम में दिया, जो कि इस नाम से था, दी नेचुरलिशिन फ्ले जे फेमियन. इसका अनुवाद अगर इंग्लिश कहेंगे तो ये कहेंगे द नेचुरल प्लांट फैमिली. इन्होंने एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक क्लासिफाई करे. फाइलोजेनेटिक सिस्टम था, इवोल्यूशनरी ट्रेंड के बेस पर ये आधारित, ये इवोल्यूशन सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम के ऊपर ये आधारित था जिन्होंने इवोल्यूशन को ट्रेंड को आधार माना. 303 फैमिली में इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट को दिया. ये इस तरह से इनके ये खंड हैं जो हमने अभी कहा आपसे कि 23 वॉल्यूम के अंदर ये है. तो इस तरह से ये 23 खंड है. जब आप हायर क्लासेज में, हायर इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ ये अवेलेबल भी रहेंगे ओरिजिनल फॉर्म में. तो इस तरह की बाइंडेड फॉर्म में रहेंगे जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं. हर्बेरिया में देख सकते हैं, जहाँ भी आप जाएंगे बड़ी जगह तो वहाँ ये खंड रहेंगे. ये इस तरह का एक का था जो इसका ये कवर पेज जो हम बता रहे हैं ये वाला था, जैसा कि हमने अभी बुक का नाम बताया कि नेचुरलिशियन फ्लेजिंग है ये वाला प्रिंट.
इस तरह से ये सिस्टम रहा और इन्होंने इतने डिस्क्राइब किए। एडोल्फ एंगलर, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट द बर्लिन यूनिवर्सिटी, एडोप्टेड द मेन फीचर ऑफ इक्लर्स क्लासिफिकेशन विद कार्ल पेंटर। द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज दैट मोनोकोटलीडनीज टेक प्रोसीडेंस ओवर द डाइकोटलीडनी। द पोलोपिटेली मोनोक्लेमाइडी आर यूनाइटेड एंड फॉर्म द सिंगल ग्रुप आर्चिक्लेमाइडी। अमेंटिफेरी वर रिगार्डेड एज प्रिमिटिव। इवोल्यूशन इज स्टेज फ्रॉम हाइपोगाइनस टू इपीगाइनस। This system is also not perfect because the group of amentiferi is not artificial assembly of the family but probably reduced rather than the primitive group of indicated. The general outline is as follows. इस तरह से ये इनका क्लासिफिकेशन था एंगलर पेंटर का। प्लांट किंगडम को तीन डिवीजन में उन्होंने बांटा, थेलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा या एसाइफोनोफाइकेम्स और डिवीजन थर्ड। इस तरह से फिर इसके सब डिवीजन रखे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और इसके रखे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर इसके क्लासेस दी इन्होंने, मोनोकोटलीडनी, डाइकोटलीडनी। फिर इसके ऑर्डर्स दिए 1 से 11 तक। फिर इसकी सब क्लासेस दी पहले आर्चिक्लेमाइडी, मेटाक्लेमाइडी, देन फिर इसके 1 से 33 तक ऑर्डर, फिर इसके 34 से 44 तक ऑर्डर और आगे उसको और बताएं। इस तरह से इसकी आउटलाइन थी अगर हम देखें तो। ये प्लांट्स इसको ऐसे डिवीजन, देन सब डिवीजन, देन क्लास, देन सब क्लास में डिवाइड किया। तो इसमें ऐसे डिवीजन रखे, ये डिवीजन 1 से 12 तक जहाँ तक दिए, 1 से 12 तक उसमें ब्रायो से ले बैक्टीरिया से लेके टेरिडोफाइटा तक शामिल किए गए। देन 13 से जो लिए गए उसमें एम्ब्रियोफाइटा के लिए गए, इसमें साइफोनोगेमिया को दो में कर रखा और दो में डिवाइड किया, जिम्नो और एंजियो, ये सब डिवीजन रखे। फिर इसकी क्लासेस दी गई एंजियोस्पर्म की, मोनोकोटिलीडेंस, डाइकोटिलीडेंस, देन फिर इसकी सब क्लासेस दी गई, देन ऑर्डर, देन फैमिली, ऐसे उसको डिवाइड किया गया। और समरी फॉर्म में देखें ये और ज़्यादा याद करने में आपके आसान रहेगा। ये प्लांट किंगडम, इसके ये डिवीजन, देन फिर इसके ये इस तरह से, फिर ऐसे ये क्लास, इस क्लास में 11 ऑर्डर, 45 फैमिलीज, ये ऑर्डर 1, ये लास्ट ऑर्डर यहाँ है, ये डाइकोटलीडनी, ये इसकी सब क्लास आर्चिक्लेमाइडी। इसका क्राइटेरिया था कि पेटल एब्सेंट, और पेटल प्लस यूनाइटेड वाली फॉर्म में इसको इनको रखा गया मेटाक्लेमाइडी। फिर इसके 33 ऑर्डर, 201 फैमिलीज, इस ऑर्डर में वर्टिसिलेटी रहा और फैमिली के यूराइनेसी ही रखा। 33 तक वाले में अमेलीफेरी में लास्ट फैमिली थी इसकी, और इसी तरह से सब क्लासेज जिसमें एक क्राइटेरिया था पेटल्स यूनाइटेड, इसमें 11 ऑर्डर और 57 फैमिलीज शामिल करी गई। ये 33 यहाँ से डाइपेंटा स्टेल से शुरू होकर ऑर्डर जो यहाँ पर कैंपे नूलेट में ख़त्म होता है। The plant kingdom has been divided into the 13 division. Division 1 to 12 dealing with the bacteria, different type of algae, fungi, bryontidae. While the 13 division is named as the embryophyta siphonogamia, which includes all seed producing plants. It is divided into the 2 subdivisions, gymnospermia and angiospermia. Gymnospermia का मतलब है कि naked ovule or seed. While the angiospermia इसमें enclosed जो है ovules या seeds है। Gymnospermia has been divided into the 7 orders from the cycadophilicales to nettles. While the subdivision angiospermia divided into 2 subclass, monocotyledonii and dicotyledonii. ये इस तरह से वापस हम देख सकते हैं कि क्या रहा इसमें। ये इससे इसने बीच वर्क करा, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इस चीज़ का भी ध्यान रखें बच्चों, ये वाला जो है हमने इस पर लिखा है कि फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं कई बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन बन जाता है, और कॉम्पिटिटिव में भी, एग्जाम में भी। द फर्स्ट 11 डिवीजन कवर थेलोफाइटा, 12th के अंदर एम्ब्रियोफाइटा, मोनोकोटलीडेंस इज फर्दर डिवाइड टू 11 ऑर्डर एंड 45 फैमिलीज। इस तरह से इसको दिया गया, ये भी वापस उसकी समरी फॉर्म में हमने दिया है इसको। अगर हम हिंदी में देखें, कई बच्चे हिंदी मीडियम के भी, तो उसको हिंदी में भी समझा सकते हैं।
एंगलर प्रिंटर की पद्धति में एक द्विपत्री पौधों को 11 ऑर्डर्स में तथा 45 कुलों में फैमिलीज को कुल का है, जैसा कि हमने पहले बताया। डाइकोट प्लांट्स को 40 ऑर्डर्स और 261 फैमिलीज में क्लासिफाई किया गया है। एक बीजपत्री टाइफेसी कुल से प्रारंभ होते हैं और ऑर्चिडेसी कुल में समाप्त होते हैं। द्विबीजपत्री कुल केजुराइनेसी से प्रारंभ होकर कंपोजिटी में समाप्त होते हैं। इस पद्धति के अनुसार केजुराइनेसी कुल गलविहीन कुल एवं कैटकिन पुष्पक्रम वाले हैं। द्विबीजपत्री में सबसे प्रिमिटिव को माना गया है। इसी तरह से इस पद्धति के गुण दोष को भी हम हिंदी में भी ले सकते हैं कि यह पद्धति एकलेरी पद्धति से विकसित है, कई आधार से अनुसरण भी करते हैं। यह इसकी मेरिट्स में ये भी ध्यान रखें, अभी डिमेरिट्स भी ले लें। इसके लेखकों ने पौधों की पहचान के लिए कुंजियों के साथ साथ जाति के आवश्यक चित्र भी दिए हैं। यह पद्धति जैव विकास के सिद्धांत की स्वीकृति के बाद की विकसित पद्धति है। इस पद्धति में बेंथम हुकर की पद्धति के मोनोक्लेमाइडी समूह को पूर्णतः समाप्त कर इसके कुलों को और चिक्लेमाइडी के और पॉलीपिटेली समूह में बांटा गया। कंपोजिटी और ऑर्चिडेसी क्रमशः एक द्विपत्री समूह के सबसे प्रदत्त कुल माने गए हैं। दोष इसके हैं, एक बीजपत्री कुल पादपों का पहले तथा द्विबीजपत्री पादपों को उसके बाद रखा गया, जो कि एक तरह से आधुनिक विचारधारा के अगेंस्ट है। दूसरा इसका जो कमी है यह है, अमेंटिफेरी कुलों जैसे केजुराइनेसी सेलिकेसी को सबसे आद्य मानकर वर्गीकरण प्रारंभ में रखा गया है। थर्ड है इसमें रेनेल्स, जो ये इसके दोषों में रेनेल्स के कुलों जैसे रेनिकुलेसी निम्फेसी आधुनिक को आधुनिक वर्गीकरण सबसे प्रिमिटिव मानते हैं, यह है। और हेलोबायल्स ऑर्डर को पेंडेनिल्स और ब्लूमिफेरी गणों के साथ रखकर युक्ति संगत नहीं है। अरिकेसी और लेमिएसी आदि को भी लीलिएसी के बाद में रखा गया है, जो कि सर्वथा अनुचित है। इसी तरह से यह हमने सिस्टम दिया है यहाँ पर। ये की डिवीजन जो कि हमने पहले आपको बताया है कि क्या क्या मेन में डिवीजन करेंगे, उसी को जो स्केच बताया था उसी का रिटर्न फॉर्म। ये जो मेरिट्स डीमेरिट्स अभी बताई है वही है इंग्लिश वर्जन में है। मोनोकोटिलेडंस आर प्लेस बिफोर डाइकोट, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ ओरिजिन इज नॉट एक्सेप्टेड ड्यू टू द रिसेंट एविडेंस इंडिकेटिंग द मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। ये इसकी डिमेरिट्स रही। और ये इसकी जो मेरिट्स हैं, ये भी जो से अभी हमने हिंदी में बताया वही इसका इंग्लिश रूपांतरण है कि दिस वॉज द फर्स्ट मेजर सिस्टम टू इनकॉर्पोरेट आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। द क्लासिफिकेशन कवर द एंटायर प्लांट किंगडम, प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन कीज लेड डाउन एट द फैमिली लेवल। थर्ड इसका जो अच्छी बात है इसकी, जिम्नोस्पर्म आर सेपरेटेड एंड प्लेस बिफोर द एंजियोस्पर्म। फोर्थ इसकी अच्छी बात है कि मैनी लार्ज अननेचुरल फैमिली जो बेंथम हुकर हैव बीन स्प्लिट इनटू द स्मॉलर एंड नेचुरल फैमिलीज। इस तरह से ये इसकी मेरिट्स भी हैं। कंपोजिटी इन डाइकोट्स एंड ऑर्चिडेसी इन द मोनोकोट्स आर एडवांस फैमिली विद इंफीरियर जाइगोमॉर्फिक एंड कॉम्प्लेक्स। दीज आर द टाइहाइडली placed toward the end of the dicot and monocot respectively. The term cohort and natural orders have been replaced by the appropriate term this order and family respectively. इस तरह के ये इसकी डिमेरिट्स हैं। ये है जहाँ तक रहा मामला आगे फर्दर स्टडीज का बच्चों, जब आप बी एस सी कर लेंगे देन एम एस सी करेंगे और कहीं बी एस सी आधारित एग्जाम भी देंगे तो इन बुक्स को आपको पढ़ना रहेगा, जिससे कि आपका ये पूरा सिलेबस अच्छा कवर हो जाए ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि अभी तो रिटर्न एग्ज़ाम रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से भी कई चीज़ें रहेगी। डेविस की है बुक है, ये ए के मंडल की है एडवांस प्लांट टैक्सोनॉमी, ये जी सिंह की है प्लांट सिस्टमेटिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस, देन ये वाई डी त्यागी की पुरानी वेल इस्टेब्लिश बुक है एंड इंट्रोडक्शन टू द एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये वी एन नायक की है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म टाटा मैकग्रा से ये पब्लिश होती है। तो इन बुक्स को आप हायर स्टडीज़ में या और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देंगे तब इस सिलेबस के इस पॉइंट के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। उसमें काफ़ी और ज़्यादा डिटेल में आपको मिलेगा और सिस्टमेटिक मिलेगा उस कंपटीशन के हिसाब से, तो वो आप देखिए। ये इन बुक्स की इमेजेज हैं, जैसे लॉरेंस की बुक है टैक्सोनॉमी ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, ये डेविस हेवुड की बुक है प्रिंसिपल्स एंड एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी,
ये बुक से जो अभी हमने बताई थी, प्लांट टैक्सोनॉम बाय ओपी शर्मा, रस्तोगी पब्लिकेशन से भी निकलती थी, फिर अभी टाटा मैग्राइट से ये निकल के टीएमसी यहाँ दिख रहा है आपको। ये मॉडर्न प्लांट टैक्सोनॉमी एनएस सुब्रमण्यम विकास पब्लिशिंग हाउस से निकलती है। ये एडवांस प्लांट टैक्सोनॉमी एक के मॉडल, ये कैलकाटा का पब्लिशर न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी से है। ये द इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म बी के वर्मा, ये प्रेंटिस हॉल से निकलती। ये गुरुचरण सिंह की, जैसा कि हमने बताया था, प्लांट सिस्टमेटिक एंड इंटेग्रल अप्रोच, ये एवीएस संभामूर्ति टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये वी के नायक टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से बच्चों ये बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं, और इनकी डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो आपके रिटर्न एग्ज़ाम भी क्लियर होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्लियर होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू। ये हमारा टोटल प्रेजेंटेशन है, जैसा कि आपने देखा अभी। तो इस तरह से जो हमने यहाँ करने का मतलब ये कि ऐसे स्केच बनाकर आप याद करें, इनके फर्स्ट लेटर्स भी आप याद कर सकते हैं, जैसे टी पी पी ये डिवाइड करा, इसको जी ए ऐसे याद रखें, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अभी देखिए ये वाला, जैसे आपको यहाँ पे रखा तो इनके फर्स्ट लेटर्स आप याद रखें, वो ऐसे याद करें ताकि याद करना आसानी रहे। इसको सीक्वेंस में, जैसे आजकल तो मोबाइल का कल्चर है, मोबाइल नंबर जैसे याद रखते हैं आप, इसी तरह से 1145 44 258 ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। समझ लें, याद करने की कोशिश करें शॉर्टकट में, उसको प्रॉपर लिख पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। और ऐसे समरी फॉर पर चार्ट बनाए, इसमें उसकी सारी समरी आ जाए, तो एक पेज में आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया, तो उसके आराम से कॉपी के अंदर 7-8 पेज आप लिख सकते हैं, 7-1 पेज, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कलरफुल डायग्राम बनाने की कोशिश करें। जैसे इसमें हमने लैपटॉप में तो हमने हाईलाइट कर दिया इसको, पर उसमें भी आप ऐसा करें 2-3 तरह के कलर्स के पेन लें और उसको बनाने का पूरा कोशिश करें तो ज़्यादा प्रॉपर होगा। इस तरह से पीटी रहा। थैंक यू बच्चों।